हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है और इसका फोर्थ पार्ट है। एक्सरसाइज 3.3 चल रही है हमारे पास, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। The taxi charges in a city consist of fixed charges together with the charges for a distance covered. मतलब एक शहर में एक टैक्सी चलती है जिसके दो तरह के चार्जेस हैं, एक तो फिक्स चार्जेस हैं और दूसरे हैं चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से आप लगा लो, ठीक है। दूसरे जो है चार्जेस डिस्टेंस कवर्ड के अकॉर्डिंग है कि कितने किलोमीटर वो चला होगा। फॉर अब उसने कंडीशन दे दी, ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपये दिए और 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपीस दिए, ठीक है जी। तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई जहाँ से हमें इक्वेशंस बननी है। अब हमें पता करना है कि फिक्स चार्जेस क्या होंगे और वेरिएबल चार्जेस यानी कि चार्जेस पर किलोमीटर क्या होंगे। और दूसरी चीज़ एक और पूछा गया हमसे कि 25 किलोमीटर चलने के लिए, मतलब टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर चलने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दो तरह के चार्जेस हमारे पास, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्जेस हैं वो हैं एक्स रुपीज हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल चार्जेस हैं, वेरिएबल चार्जेस को आप लिख सकते हो चार्जेस पर किलोमीटर। वेरिएबल चार्जेस मैं लिखता हूँ पर किलोमीटर जो होगा हमने मान लिया वो वाई रुपीज है, ठीक है जी। तो अब ये कहना है क्वेश्चन का कि एक्स तो हर बार लगने लगना है आपका। आपने कोई टैक्सी बुक कराई उसका एक पैसा है कि वो लगने लगना है, तो हमने मान लिया कि वो फिक्स चार्ज है एक्स है। और दूसरा आपको देना है कि कितने किलोमीटर आप चलोगे तो उसके इतने पैसे हैं, हमने मान लिया कि वो वाई रुपीज़ हैं, ठीक है। तो अब पहले वाले केस में कितना गया, वो फर्स्ट केस में देखिए वो 10 किलोमीटर चला तो 105 रुपये दिए उसने, ठीक है। अब 10 किलोमीटर के पैसे कितने लगे थे, वाई रुपीज लगे थे। तो 10y हो गया इक्वल टू टोटल पैसे कितने दिए उसने, 105 रुपये दिए उसने, ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है, 105, हाँ जी। चलिए ये होगी हमारी कंडीशन वन। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो हम यहीं से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10y। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन बन गई यहाँ पे, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट कंडीशन है ये मेरी। अब दूसरी कंडीशन बनानी है, दूसरी कंडीशन की इक्वेशन बनानी है हमने। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 155। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दिए गए थे। अब देखो इस कंडीशन में भी फिक्स चार्जेस तो लगेंगे, तो हमने माना था फिक्स चार्जेस एक्स हैं प्लस 15 किलोमीटर चला और उसके वाई रुपीज लगे, ठीक है। इक्वल्स टू टोटल पैसे कितने लगे, 155। तो अब ये सेकंड कंडीशन है मेरी। अब कुछ नहीं करना है, आपका जो फर्स्ट एक्स की वैल्यू आई है ना वो यहाँ पे आप पुट कर दोगे, यहाँ पे इस एक्स की जगह पे पुट कर दोगे, ठीक है। वो कितनी है, 105 माइनस 10y। तो हम पुट कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये जो है ये वाली सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। चलिए तो पुट करते हैं, देखते क्या आता है हमारे पास। एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, ये हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट कर दी। और प्लस क्या है हमारे पास, 15y इक्वल्स टू टोटल पैसे कितने लगे थे सेकेंड कंडीशन में, 155 रुपीस। तो चलिए ये इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, प्लस 5, ठीक है। तो 105 प्लस 5y इक्वल्स टू 155। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने पहले इक्वेशन लिख लिया, 105 प्लस 5y इक्वल्स टू 155, ठीक है जी। तो ये कंडीशन थी हमारे पास। अब क्या करना है हमें, 105 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके क्या होगा, माइनस। तो इधर बचेगा 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105। तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, 155 में से 105 माइनस कर लो, देखो 5 में से 5 गया 0,
और यहाँ पे 5, तो 50 रुपये आ जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 50 आ गया। अब यहाँ से वैल्यू y की निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, 50/5, तो कितना आ गया हमारे पास वो 10, कटिंग करके आ जाएगा 10, y की वैल्यू 10 आई है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। चलिए पीछे देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 105 - 10y, तो इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। तो वो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 105 - 10y, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 - 10, और y की वैल्यू कितनी थी, 10। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है 105 - 100, 10 × 10 100 हो जाएगा। और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 रुपये, मतलब जो फिक्स चार्जेस है वो 5 रुपये हैं, और जो चार्जेस पर किलोमीटर है वो कितने हैं, 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा गया था ना क्वेश्चन में कि 25 किलोमीटर के आपको निकालने हैं, तो 25 किलोमीटर के देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर 25 किलोमीटर है ना। तो देखिए 25 किलोमीटर में फिक्स चार्जेस लगेंगे, प्लस 25 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए वेरिएबल चार्जेस लगेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे। अभी हम x की वैल्यू आई थी 5 प्लस 25 इंटू 10, 10 क्या थे वेरिएबल चार्जेस, y की वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 + 250 हो गया ना, 5 + 250 = 250, तो कितना आ गया, 255 रुपये, 255 रुपीस आ जाएगा। तो ये रहा हमारा 25 किलोमीटर के चार्जेस। ठीक है, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर वो आ गया 255 रुपीस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ लग गया होगा।